जगह से आप नमामि गंगा में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को घुमाने आए हैं अजगैवी नाथ, जहाँ से जल उठाया जाता है और देवघर जाया जाता है। तो चलिए आप लोगों को घुमाते हैं, पूरा टूर कराते हैं, और रघुवंशी जी आ रहे हैं उनको भी दिखाते हैं उसका स्टेज किस तरह से बना हुआ है। चलिए आप लोगों को घुमाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का बोलबम लिखा हुआ है और शंकर भवन का तीसरा आँख बना हुआ है। और यहाँ पर जो आने वाले हैं आप लोगों को दिखाते हैं बाबा, इसमें तो लिखा हुआ है हंस राग रघुवंशी जी, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं रघुवंशी जी इनको बोलते हैं। और ये आने वाले हैं 22 तारीख को, 22 जुलाई जो कि कल है। देख सकते हैं ये बम सब के लिए पार्किंग एरिया बनाया गया है जो कि बहुत ही बेहतर किया है। यहाँ पे पहले दुकान हुआ करता था लेकिन अभी पार्किंग एरिया बना दिया गया है जो कि बहुत ही बेहतर किया है, जिससे कि भीड़ कंट्रोल होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूरा यहाँ का श्रावणी मेला जो लगा हुआ है। चलिए ये है गेट, नमामि गंगा का गेट है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे देखिए श्रावणी पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ न्यू क्या सब लगा हुआ है। चलिए आप लोगों को पूरा यहाँ का टूर कराते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूरा बैठने उठने का बना हुआ है क्योंकि कल बहुत ही बेस्ट गायक होने वाले हैं, बन रहा है पूरा बेहतर ढंग से। आप लोग पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे, पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे इधर से। और वो स्टेज है, चलिए आप लोगों को स्टेज भी दिखाते हैं। देख सकते हैं ये है स्टेज, यहाँ पे कल परफॉर्मेंस करेंगे। और यहाँ पे है देखने के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे सब बैठ के जितने भी हैं कांवड़िया लोग सब बैठ के देखेंगे। और ये भी कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहे क्या? हाँ जी बोलिए क्या। ये कमरिया बन है, आया है एकदम भेंट करने सुल्तानगंज सरोनी मेला 2024 अच्छा चल रहा है। देखिए बम लोग आया है कत्तन, देखिए बहुत सारा बम अभी देखिये। पहले अभी तो कल फर्स्ट सोमवारी होगा ना, कल फर्स्ट सोमवारी है लेकिन फिर भी आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। और कल तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगा, जो कि आप लोगों को भी दिखाएंगे, अगर आ सके तो हम जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग आइए और दर्शन कीजिए। और कल जो एक्टर आ रहे हैं हंसराज रघुवंशी जी, उनसे भी आके मिलिए। चलिए आप लोगों को और आगे दिखाते हैं। देखते हैं गेट कितना बेहतर बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बोल बम सब बोलते हुए जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होता है बिहार में, बिहार के सुल्तानगंज जगह पे बहुत अच्छा चीज़ ये होता है कि सबका बेरोजगारी मिट जाता है। अभी के समय में आप लोगों को पता होगा कि अभी के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है बिहार में, लेकिन अगर सावन मेला जो होता है यो बेरोजगारी सब हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आदमी सामान कुछ जल वो डिब्बा उब्बा सब बेचते उचते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, यहाँ पे जल का स्तर इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि कांवड़िया लोग को नहाने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा। फिर भी यहाँ पे सरकार सेफ्टी दिए हुए है कि पूरा जो है ना घेर दिए गए हैं क्योंकि उस साइड ना जाए, क्योंकि बहुत हादसा होता था कि उस साइड जाने के बाद बहुत डूबने उबने लगता था। तो देख सकते हैं अभी बहुत सारे जल उठा रहे हैं, यहाँ पे बाबा सब भी हैं, आप पूजा वूजा करा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए आप लोगों को फिर आगे दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा वपड़ा चेंज करने का और ऊपर बहुत ही अच्छा लोकेशन बना हुआ है विश्राम करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। सावन के समय में यहाँ पे जल का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग भी आइए और देवघर यहाँ से जल उठाइए सुल्तानगंज से और देवघर के लिए प्रस्थान कीजिए। तो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए कांवड़िया के लिए। पूरे अथी है, कमर चलता है, अथी चलते हैं, देवघर जाते हैं। अच्छा देवघर यहाँ से कितना दूर है? 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर, बहुत अच्छा। तो 105 किलोमीटर है, आप लोग भी जाइए और घूमिए। तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बोल देंगे, आइए सुल्तानगंज दर्शन कीजिए, एकदम घूमिए फिरिए, जल ला के जाइए, 105 किलोमीटर पैदल जाइए। तो अभी बहुत ही बेहतर नज़ारा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम पार्किंग एरिया के पास हैं, हम अपना भी बाइक लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद आप निकलते हैं आगे की ओर, आप लोगों को पूरा हम यहाँ का दिखा दिए। चलिए आप कल आप लोगों को पूरा यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे
होता है लोकेशन और किस तरह का बनता है और कितना भीड़ होता है आप लोग कल दिखाएंगे। और देखिए काम वम भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर पे काम कर रहा है, अभी बहुत बाकी भी है, वो भी कुछ दिन में, कुछ दिन में क्या कल कंप्लीट हो जाएगा।